जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, स्वप्न देखना एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। नींद में स्वप्न का आना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। लगभग हर कोई स्वप्न देखता है। किसी को नींद में सपने आते हैं नदी के, तो किसी को पहाड़ों के सपने आते हैं, कोई फूलों के सपने देखता है। कुछ लोग ऐसी घटनाएं भी देखते हैं जो कि आने वाले भविष्य में घटित भी हो जाती हैं। तो स्वप्न सत्य होते हैं, ऐसा स्वप्न शास्त्र का मानना है कि हम स्वप्न में जो भी वस्तुएं देखते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, उनका हमारे भविष्य से कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आप स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो इसका क्या फल होता है और कौन सा इशारा हनुमान जी आपको स्वप्न में आकर देना चाहते हैं, ये मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखिए पूरा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें स्वप्न में हनुमान जी का दिखाई देना। दोस्तों, स्वप्न में अगर हनुमान जी दिखाई देते हैं तो वह किस स्वरूप में दिखाई देते हैं उस पर भी निर्भर करता है कि स्वप्न में हनुमान जी आपको किस प्रकार का संकेत देने वाले हैं, उनके कौन से स्वरूप का क्या मतलब होता है, ये मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको हनुमान जी एक बड़े स्वरूप में दिखाई देते हैं तो इसका क्या फल होता है। यदि आपको स्वप्न में विशाल रूप में हनुमान जी दिखाई दें, एक बड़े स्वरूप में हनुमान जी दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आप जल्द ही अपने दुश्मनों को पराजित करने वाले हैं और आपके दुश्मनों का सफाया होने वाला है। हनुमान जी को महाबली भी कहा जाता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा बल था और अपने बलबूते पर वे किसी को भी पराजित कर सकते हैं। इसलिए स्वप्न में अगर आपको हनुमान जी का बड़ा रूप दिखाई देता है, इसका मतलब है दुश्मन को पराजित करना और आपके सफल होने का इशारा है ये। इतना ही नहीं, स्वप्न में अगर हनुमान जी का विशाल रूप दिखाई देता है तो ये इशारा करता है कि आपका शत्रु आजीवन आपसे भयभीत रहेगा और कोई भी षड्यंत्र रचने से पहले 100 बार ज़रूर सोचेगा। तो ये स्वप्न आपकी विजय है, विजय का संकेत है, शत्रुओं पर विजय का संकेत है। बहुत ही शुभ स्वप्न है ये। और अगर आपको स्वप्न में भगवान हनुमान जी सोते हुए दिखाई देते हैं तो आपको किस प्रकार का फल होता है। दोस्तों, यदि आपको स्वप्न में हनुमान जी सोते हुए दिखाई देते हैं या फिर हनुमान जी की मूर्ति को आप जमीन पर लेटते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आपके घर कोई व्यक्ति अगर रोगी है या स्वास्थ्य संबंधी उसे कोई परेशानी है तो वो जल्द ही स्वस्थ होने वाला है। यदि आपके घर कोई काफ़ी समय से बीमार पड़ा है और उसका इलाज करने पर भी उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अब बीमारी से छुटकारा होने वाला है और जल्द ही वो व्यक्ति ठीक होने वाला है। तो अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है अगर आप स्वप्न में हनुमान जी को सोते हुए देखते हैं तो। घर से बीमारियां दूर होने का ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हनुमान जी को सोते हुए देखने का एक मतलब ये भी होता है कि दीर्घायु होने वाले हैं, आपकी आयु बढ़ने वाली है। तो इस प्रकार से इस स्वप्न का भी बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगला जो स्वप्न है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि स्वप्न में अगर हनुमान जी आपको मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आपको किस प्रकार का फल मिलने वाला है। दोस्तों, यदि आपको स्वप्न में भगवान हनुमान मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी सभी परेशानियाँ दूर होने वाली हैं, सभी मनोकामनाएँ जल्द ही पूरी होने वाली है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। यदि आपको किसी चीज़ की दुविधा है, कोई समस्या है, तो वो जल्द ही हल होने वाली है। इसके साथ ही आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो दूर होगी। जीवन की एक नई शुरुआत होने का संकेत है भगवान हनुमान जी का मुस्कुराते हुए स्वप्न में दिखना। तो बहुत ही शुभ संकेत होता है अगर हनुमान जी आपको मुस्कुराते हुए सपने में दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। अगर आपको स्वप्न में भगवान हनुमान जी का मंदिर दिखता है तो स्वप्न ये किस प्रकार का फलित होता है। दोस्तों, यदि आपको स्वप्न में हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे, इसका अर्थ है कि मनोकामना आपकी बहुत ही शीघ्र पूरी होने वाली है। जो भी आपकी कामना थी, जो भी आपने हनुमान जी से मांगी थी, वो मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है और इसके बदले में आपको हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। अगर आपको मंदिर दिखाई देता है तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनकी पूजा आराधना करें। मतलब हनुमान जी चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति में शामिल हों, उनकी पूजा करें, उनको
धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होने वाली है और जो भी आपकी मन्नत थी वो हनुमान जी ने पूर्ण कर दी है, ऐसा हनुमान जी आपको संकेत देना चाहते हैं। तो आप मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें और उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए आपको। सपने में बाल हनुमान को देखना किस प्रकार का संकेत होता है? दोस्तों, यदि आप सपने में हनुमान जी का बाल स्वरूप देखते हैं, मतलब बाल हनुमान जी दिखाई देते हैं आपको, तो ये बहुत लाभदायक माना जाता है। माना जाता है कि जैसा आप हनुमान जी के बारे में सोचते हैं कि बहुत बलशाली हैं हनुमान जी, पर बहुत मस्ती भी करते हैं, है तो वो एक बालक के समान ही, तो सपने में भगवान हनुमान का बाल रूप देखने का मतलब है कि आपके जीवन में आनंद का, खुशियों का माहौल होगा और आप आनंद से अपना जीवन, आने वाला समय बिताने वाले हैं। तो बहुत शुभ संकेत होता है बाल हनुमान का स्वप्न में दिखाई पड़ना। स्वप्न में अगर हनुमान जी को आप उड़ते हुए देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, यदि आपके स्वप्न में भगवान हनुमान आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा कई बार होता है, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हनुमान जी स्वप्न में उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है कि आप जैसे भगवान जी की पूजा आराधना करते हैं तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ आपका कद बढ़ने वाला है, ऊंचाई बढ़ने वाली है, आपको उपलब्धि मिलने वाली है कोई। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं और आप इस तरह का स्वप्न देखते हैं तो आपको नए मौके मिलने वाले हैं, नई उपलब्धि मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलने वाला है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक नई ऊंचाई मिलने वाली है, आपका कद बढ़ने वाला है, आपकी उपलब्धि बढ़ने वाली है, इस बात का संकेत हनुमान जी स्वप्न में इस प्रकार से आकर आपको दे रहे हैं। दोस्तों, स्वप्न में अगर आप हनुमान जी को लड़ते हुए देखते हैं तो किस प्रकार का संकेत है ये? यदि आप स्वप्न में हनुमान जी को किसी के साथ भी लड़ते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपने शत्रु को पराजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपका कोई भी शत्रु है, किसी भी प्रकार का कोई शत्रु है, तो उसको आप पराजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोई भी स्थिति हो, आप निडर होकर उसका सामना कर सकते हैं। या ये भी संकेत है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं आप उनका सामना कर सकते हैं। हनुमान जी जो इस तरह का संकेत आपको स्वप्न में दे रहे हैं तो इसके कहने का ये मतलब होता है कि आप अपने जीवन की सभी परेशानियों का, सभी चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप निडर होकर अपनी परेशानियों का, अपनी चुनौतियों का सामना करें। सपने में भगवान हनुमान का गदा देखना। अगर आपको सपने में भगवान हनुमान जी का गदा दिखाई देता है तो इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, हनुमान जी अगर स्वप्न में गदा पकड़े हुए दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास सही मायनों में बराबर है और आने वाली कोई भी समस्या हो आप आसानी से उसे हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से आप किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये हनुमान जी आपको संकेत दे रहे हैं स्वप्न में आकर। और स्वप्न में हनुमान जी का दिखना इस बात का संकेत है कि हनुमान जी हमेशा आपके साथ हैं, आपकी भक्ति प्रबल है, हनुमान जी आपके साथ हैं, आप निडर होकर समस्याओं का सामना करें। स्वप्न में भगवान हनुमान को और श्री राम को साथ में देखना, इसका क्या मतलब होता है? यदि आप स्वप्न में भगवान हनुमान और श्री राम जी को साथ में देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने कई कीर्तिमान हासिल किए हैं और आपका, आपके सामाजिक कार्य में दर्जा बड़ा होने वाला है। एकदम सज्जन व्यक्ति की तरह आप जीवन जी रहे हैं, आपको अपने गौरव का कोई घमंड नहीं है। अगर भगवान श्री राम और हनुमान आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है आपकी भक्ति प्रबल है हनुमान के लिए। अगर आप इस जन्म में भगवान की भक्ति, हनुमान की भक्ति इतनी प्रबल नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो इसका ये मतलब है कि आप पिछले जन्म से ही भगवान हनुमान के भक्त रहे हैं और भगवान हनुमान आपको अपनी भक्ति के लिए एक तरह से संदेश भी दे रहे हैं कि आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए और आप हनुमान भक्त हैं। कहीं ना कहीं आपकी आत्मा जो है वो हनुमान की भक्त है। दोस्तों, सपने में अगर आप भगवान हनुमान जी की पूजा करते हुए अपने आप को देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? सपने में कई बार होता है कि हम स्वप्न देखते हैं, जिस भी हम इष्ट की आराधना करते हैं उसकी पूजा करते हुए खुद को देखते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी कोई इच्छा है जो आपने हनुमान जी से मांगी थी और वो पूरी हो गई है, लेकिन किसी कारण से आप हनुमान जी को भूल गए हैं। यानी कि स्वप्न में जब हम कई बार कोई चीज़ मांगते हैं भगवान से और उसके बाद उसके लिए हम पूजा भी मांगते हैं कि हम ये पूजा करेंगे, जैसे इतने दिन मंदिर आएंगे, हमारी ये कामना पूरी हो जाए, तो और कामना पूरी हो जाती है और हम अपना जो हमारी जो
कामना होती है कि हम ये चीज़ करेंगे, वो हम नहीं कर पाते हैं, तब हनुमान जी दर्शन देते हैं आपको कि आप भूल गए हैं, आप वो पूजा जो आपने मानी थी वो जाकर करिए। तो स्वप्न में अगर आप हनुमान जी पूजा करते हुए मंदिर में आप देख रहे हैं खुद को, तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनकी विधि विधान से पूजा आराधना करें, उनकी आराधना करें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें। जो भी कार्य आपका हुआ है, भगवान हनुमान को आप उसके लिए धन्यवाद दें। दोस्तों, हनुमान जी का स्वप्न में दिखाई देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। मतलब आप हनुमान जी के भक्त हैं, तभी हनुमान जी आपको दर्शन दे रहे हैं। कई बार होता है कि हम इस समय में बहुत अधिक प्रबल भक्ति हनुमान जी की नहीं कर रहे हैं, तो जब हमें स्वप्न में हनुमान जी दिखाई देते हैं, हमें इस बात को मानना चाहिए कि हम पूर्व जन्म से ही भगवान हनुमान जी की भक्ति करते हुए आ रहे हैं और हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर लगातार बनी हुई है। तो अगर हनुमान जी हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो हमें चाहिए कि हम हनुमान जी की आराधना पूरी तरह से शुरू कर दें, भक्ति शुरू कर दें, उनकी पूजा आराधना शुरू कर दें। हनुमान जी का स्वप्न में दिखना किसी भी स्वरूप में बहुत ही शुभ संकेत होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।